नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं ऑल सॉल्यूशन चैनल को और आज मैं बताने वाला हूँ अपने मोबाइल डाटा जो है ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब ऑटोमेटिक जो ऑन करते ही अपना मोबाइल डाटा जो ऑटोमेटिक जो है ख़त्म हो जाता है। डेली 1 GB 2 GB आपका जितना भी आता है तो वो क्या है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, आप यूज़ भी नहीं करते हो पूरा दिन और ऑटोमेटिक जो है मोबाइल में यूज़ हो जाता है और आपका 100% का मैसेज आ जाता है। तो ये दिक्कत आपको आ रही है, डेटा ऑटोमेटिक यूज़ हो रहा है, मतलब आप इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको इतना वेस्ट होता जा रहा है, तो वो आपको बंद कैसे करना है उसको बंद करने के लिए आपको वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी हेल्प वीडियो कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। और आज मैं आपको प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके ही दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करनी है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, व्हाट्सएप में चले जाना है आपको, ठीक है। इसमें आ चुका हूँ व्हाट्सएप और व्हाट्सएप की सेटिंग में आपको आ जाना है, ठीक है दोस्तों। और व्हाट्सएप में कुछ इस तरीके से आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा है स्टोरेज एंड मीडिया डाटा पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर आपको क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्या देख मीडिया ऑटो डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन टिक होंगे तो उसको क्या करना है आपको हटा लेना है, सारे ऑप्शन को हटा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि अपना जो भी डेटा होगा वो अपने ऑटोमेटिक जो कुछ भी अगर अपना फ्रेंड वगैरह कुछ भी फ़ोटो वीडियो वगैरह भेजते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड हो जाएंगे। तो इसको आपको सारे ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद ये नीचे वाला जो है अगर वाईफाई से आप अगर करना चाहते हो डाउनलोड तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, वाईफाई से डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इन दोनों में तीनों ऑप्शन में से आपको ऑफ़ रखना है, ठीक है। तो अगर इसमें रखोगे तो अपना मोबाइल डाटा यूज़ हो गया ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड हो जाएगा, इसलिए इसके कारण भी आपका जो है डेटा है वो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन तो ये हो गया दोस्तों। अब तीसरी बात मैं बता दूँ आपको कि आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का जो डेटा सेवर मतलब डेटा सेवर जो है ऑन कर लेना है। अब डेटा सेवर कैसे ऑन करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से डेटा सेवर जो है ऑन करना है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, चले जाना है सबसे पहले सेटिंग के अंदर। और उससे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई फ़र्ज़ी एप्लीकेशन हो इस मोबाइल के अंदर, कोई फ़र्ज़ी एप्लीकेशन हो अगर कुछ काम की नहीं हो, चाइना की एप्लीकेशन हो, तो उसको जो है हटा लेना है, क्योंकि वो भी पड़ी भी आपको जो है डेटा खाती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी आपको जो है फर्जी एप्लीकेशन जो है डिलीट कर देना है, आपको नहीं करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में बताता हूँ आपको क्या करना है, सेटिंग में चला जाना है। सेटिंग में आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क में आपको क्लिक करना है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा यूज़ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सी एप्लीकेशन जो है आपका डेटा मतलब खा रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं सबसे ज़्यादा खा रही है इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह, ये जो बाकी के सारे एप्लीकेशन जो है यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके कुछ थर्ड पार्टी अगर यूज़ हो रही है एप्लीकेशन तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हो डाटा सेवर जो दिख रहा होगा सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, उसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। डाटा सेवर को ऑन कर लेना है। डाटा सेवर को ऑन करोगे तो आपका जो सारे डाटा जो है सेव रहेगा, आपको जल्दी डाटा नहीं उड़ेगा बिल्कुल, मतलब जो डाटा जहाँ ज़रूरत होगी वहीं आपको डाटा जो है यूज़ होगा, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में भी डाटा ऑफ रहेगा ताकि यहाँ पे ज़्यादा यूज़ ना हो। और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसमें क्या करना है, डेटा लिमिट भी अगर चूज़ करना चाहते हो कि मतलब कि डे की भाई अपन 500 MB यूज़ हो जाए उसके बाद आपको जो है डेटा कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लिमिट जो है कर सकते हो सिलेक्ट कि आपने दिन का 1 GB 2 GB यूज़ करोगे उसके बाद आपको बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से ये डेटा लिमिट दे रखा है। और दोस्तों एक और ट्रिक है मेरे पास जो कि आप लोग जो है आसान तरीके से मतलब अपना डेटा जो है और भी यूज़ मतलब एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होगा, कोई फर्जी एप्लीकेशन में अगर यूज़ हो रहा होगा तो वो भी आपको यूज़ नहीं होगा, एक और तरीका है मेरे पास। आपको आ जाना है सेटिंग के अंदर, सिस्टम सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे देखना है, यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा। डेवलपर ऑप्शन में आपको चले जाना है। अगर डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो आपको डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और आपको यहाँ पे एक मतलब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढना है बैकग्राउंड एप्लीकेशन वाला, तो यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ, ये देख सकते हो बैकग्राउंड लिमिट चेक, ठीक है। बैकग्राउंड लिमिट आप जो है रख सकते हो 2 एप्लीकेशन रख देना है, ठीक है। आपका जो भी तीसरी अगर एप्लीकेशन आप ओपन करोगे ना तो पीछे वाली एक फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी, करंट 2 रहेगी ऑन, ठीक है। जितने आप चालू करोगे उसके हिसाब से आप 2 करंट ऑन रहेगी,
तो उस हिसाब से आपको रख लेना है लिमिट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चले आना है नीचे, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो आप है कर सकते हो सेटिंग। और अगर आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है तो वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको आ जाना है, बैक आ जाना है और अबाउट फोन में चले जाना है, ठीक है। अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे वर्जन पर क्लिक करना है। वर्जन पर क्लिक करने के बाद ऊपर ऊपर आपको देखने को मिलेगा बिल्ड नंबर पर, इस पर आपको 3-4 बार क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक जो है मेरा ऑलरेडी मैंने कर रखा है तो इस पर आपको क्लिक करोगे तो अपना जो है वो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी हेल्प वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।